So the confusion may come, doubts may come, but yet we'll have to speak. The Prabhupada has spoken. I want that Haridri Brahmachari should explain what I wanted to explain in Hindi. मैं क्या बोलना चाहता था, प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं, तुम अपने विचार से बदलाव से थोड़ा सा खड़े होकर क्या ये बोलना चाहते हैं, प्रभुपाद का क्या विचार है, दोनों में क्या अंतर है, और इस चीज में इस ग्रंथ में किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर के विचार, कौन सा विचार है, जब देह और मन का सब संबंध दूर हो जाता है उस समय में वो चीज हृदय में गुरवे गौरचंदाय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कल श्री महाराज जी ने भजन रहस्य का जो प्राप्त कथन जो श्री गोपाल जी द्वारा लिखित है उसकी व्याख्या कर रहे थे, उसमें तीन चार महत्वपूर्ण बातें आई थी। सबसे पहले अर्चन क्या है और भजन क्या है। सामान्य लोग अर्चन और भजन दोनों को एक ही समझते हैं, किंतु दोनों में पार्थक्य की है। एक है, एक में है पूर्णता और एक में है उसका अंग होने का भाव। भजन के अंतर्गत मुख्य रूप से नौ जो भजन के अंग माने गए श्रवण कीर्तन इत्यादि, उन नौ में से एक होता है अर्चन। श्री गोपाल जोर देकर के कह रहे हैं वहां, अर्चन यद्यपि भजन के अंतर्गत है किंतु वह है भजनामी, पूर्णता को वह कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से क्यों नहीं हो सकता है, क्यों अर्चन में ऐश्वर्य का भाव मिश्रित रहेगा ही, और अर्चन जो किया जाता है उसमें शरीर के अंग जिसको मतलब इंद्रियां कहते हैं और मन, इसकी प्रधानता रहती है। इससे जब तक मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, और जो अपना स्वरूप जिसको कह सकते हैं उसमें प्रतिष्ठित नहीं हुआ जा सकता है, तब तक भजन संभव नहीं। जब कोई अपने स्वरूप में अर्थात आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तब जो ऐश्वर्य ज्ञान था, ऐश्वर्य ज्ञान यहाँ मतलब मर्यादा बुद्धि भगवान के प्रति, जिसको भी प्रभुपाद ने कहा सूर्य की प्रखर रश्मि, सूर्य की प्रखर रश्मि जिसके कारण भगवान का जो माधुरी में स्वरूप है वह नहीं दिखाई पड़ता है, वह छीन हो जाएगा। और जितने ही परिवार में हम आत्म तत्व प्रतिष्ठित होंगे, भजन जितना ही उन्नत होगा उतना ही चंद्रमा की जो चंद्रिका है हमारे हृदय में अपना स्थान बनाएगी। और यहाँ जो उपमा दी गई है सूर्य की और चंद्रमा की, सूर्य की रश्मि में प्रखरता है और चंद्रमा की रश्मि में शीघ्रता है, शीघ्रता है। ऐश्वर्य का जो भाव है वह है प्रखरता, जो उन्नत उज्ज्वल रस के लिए बाधक स्वरूप है। इसलिए जितने परिमाण में हम आत्म तत्व प्रतिष्ठित होंगे और भजन के अग्रसर होंगे, दैहिक और मानसिक स्थिति से मुक्त होंगे, उतने ही परिमाण में वह जो चंद्रिका है हमारे हृदय में आएगी और कृष्ण का या भजन का जो माधुरी में स्वरूप है उसका हम दर्शन कर पाएंगे। यह एक विचार था। उसके बाद अर्चन के लिए आया, वहां एक शब्द है प्रपंचागत, जिसकी व्याख्या महाराज जी कर रहे थे, उसमें कई उदाहरण लौकिक लेकर समझाया अर्चन करने वाले भक्तों का भाव क्या होता है। वह मर्यादा के अंदर ही बंधा रहता है, वास्तव में भजन की उपलब्धि नहीं कर पाता है। उसके बाद
महात्मा या भजनशील महापुरुष माई उपाधियों से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं, वे ही वास्तव में जो व्यतीत भावना पर ये श्लोक गुरु गोस्वामी का है, इसमें प्रतिष्ठित होकर के परतत्व का साक्षात सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और वही भजन के उपयुक्त पात्र हैं। इस ग्रंथ के कलेवर में क्या है, उन्होंने कहा है? ग्रंथ का दो भाग है, एक मुख्य भाग जिसको ग्रंथ का कलेवर यथा शरीर कहा गया और परिशिष्ट भाग। परिशिष्ट भाग में जो अर्चन में प्रतिष्ठित अर्चन का अधिकार है जिसका, उनके लिए संक्षिप्त अर्चन की विधि दी गई है। और ग्रंथ का जो कलेवर अर्थात मुख्य भाग है वह उस व्यक्ति के लिए है जो वास्तव में भजन पथ पर अग्रसर है, जैसे कि भक्ति मोहन ठाकुर ने अपने जीवन में जिसका आचरण किया है उस चीज को उसने उन्होंने अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। The introduction of this book, Srila Prabhupada has described the difference between Archan and Bhajan. Those who are situated in lower classification, they have Nishtha in Archan. What is the difference between Archan and Bhajan? In Srimad Bhagavatam, it has been said that Bhajan has 9 limbs. And out of those 9 limbs, Archan is one. So, Bhajan is complete and Archan is one limb of that complete thing. Then he says that Archan, those who perform Archan, they have mood of awe and reverence for their worship. So that awe and reverence, that is like the ray of the sun. So those who perform archan, their mood, that means the actual form, the madhurimaya form of the worship, it gets obstructed by that ray of the sun. As long as we are situated in that regard, that means as long as we are bound by our senses and mind, we cannot have the qualification of bhajan. That means Aishwarya mood is prominent there. The more when we advance, then instead of that ray of sun, there comes the moonlight, the ray of the moon, that Prabhupada is saying that is sink, which enables us to see the madhurimaya form of Krishna. The bhajan is complete and the archan is a deep of that thing. In this book, there are two parts. The last part, the precise part, that gives the short form of the archan for those who are situated in that adhikar. And the main part, main theme of this book is describing only the bhajan and which Bhaktivinoda Thakur has performed in his personal life. This is in short what has been said in the introduction. নতদ্ভক্তেষু চরণেষু স্বয়ং প্রাকৃত
एक जन कनिष्ठ अधिकारी केवल भगवान की सेवा पूजा करे अर्चना करे किंतु साधु गुरु वैष्णव के आदर करते सीखे ना से कनिष्ठ अधिकारी कोमल संत एक जन भागवत मध्य बोलें कि ताकि बाद ना दिए कोनो रकम नहीं नहीं आता जहाँ गुरु वैष्णव आदर्श अर्चना करते सीखे ना जहाँ मध्य तत्व सिद्धांत तो ज्ञान नाई विचार नाई तहाँ कनिष्ठ अधिकारी निम्न अधिकारी कोमल सत्य किंतु अर्चन केवल कोमल सत्य पर्यंत ही थेके गेछे ता थाके यदि थाकतो ताहले आमादेर गुरुवर्ग प्रत्येकेई ताहार पूजा अर्चन करे सेवा विग्रह प्रकाश करे दिएछे एवं से सेवार कथाओ बोले गेछे एमनकि आमादेर गोस्वामी वर्ग पूर्व पूर्व आचार्यगण প্রত্যেকেই তাহার সে বিগ্রহ প্রকাশ করে সেবা করেছে তাহাদের সেবা সাধারণ অর্চনের মতো একটি অর্চন বলতে গেলে এই সাধারণ বিধি মার্গে কেবল বিধি মার্গেকে অনুসরণ করে যেখানে পুষ্প পাদ্য অর্ঘ্য আত্মনি ইত্যাদি দিয়ে তাহার পূজা অর্চনা করছে আবার আছে কি দিব্য বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ তলে রাধা গোবিন্দ দেব রত্ন সিংহাসনে বিরাজমান শ্রী গুরুর আজ্ঞায় আমি তাহার সেবার জন্য সব কিছু সমর্পণ করছি এখানে উপস্থিত করেছি সেখানে আত্মশুদ্ধি আত্মভাবনা নিয়ে পূজা অর্চনা হচ্ছে তাহলে সেখানে মধ্যম অধিকারী এসে যাচ্ছে অতএব প্রত্যেক অধিকারের মধ্যে অর্চন দেখতে পাবে আমাদের গোস্বামীগণ তাহারাও অর্চন করেছেন কিন্তু সেই অর্চন সেবা সেখানে সেবার মধ্যে এসেছে ভজনাঙ্গ বলে বললে শুধু অর্চন কে বাদ দিয়ে নয় সেবা কে বাদ দিয়ে শ্রী বিগ্রহ সেবা কে বাদ দিয়ে কেবল ভজন নয় যে আমরা কেবল গাছতলায় বসে ভজন করব তা তো আমরা গুরুবর্গের কাছে যেদিন থেকে মঠে এসে যে আমরা দেখছি মঠ মন্দির আমাদের গুরুবর্গ প্রকাশ করেছে শ্রী বিগ্রহ প্রকাশ করেছে শ্রী বিগ্রহের সেবা করতে ভাগবত বলছেন কি যে ভগবান তো সর্বভূতে অবস্থিত আছেন এবং ঘটের বাসী অনুপন্তে সর্বত্র আছে যেখানেই তাহাকে আরাধনা করা যাবে যে কোনো মূর্তিতে যেভাবে আরাধনা করুন না কেন সেখানেই তিনি প্রকট এখন আরাধনার মধ্যে সর্বত্র অর্জন ভক্তি শ্রদ্ধা সব রকমে আছে এখানে নবদা ভক্তের মধ্যে অর্চনের কথাও আছে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন অর্চন আত্মনিবেদন দাস্য সখা আত্মনিবেদন সবকটি কথা আছে কিন্তু এই নবদা ভক্তের মধ্যে যে অর্চনের কথা আছে সেখানে আদৌ অর্পিতা পশ্চাৎ ক্রিয়তে চে তহি ভক্তির ভবিষ্যৎ আগে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে গুরু পাদপদ্মে এবং ভগবানে সমর্পিত হয়ে যাহারা ভজন সাধন করছেন ভক্তি করছেন সেখানে অর্চন লেখা আর যেখানে সমর্পিত না কেবল বেতন মাত্র নিয়ে পূজা করছে মন্দিরে ঘন্টা লাগে কেবল আরতি করছে সেই সমস্ত এখানে বক্তব্য বিষয় না এখানকার বক্তব্য বিষয় সাধারণ কনিষ্ঠ অধিকারী যারা অর্চনাঙ্গের মধ্যে আছে সেবা পূজা অর্চন তাহার থেকে ভজনাঙ্গ শ্রেষ্ঠ যাহারা তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখে আর তত্ত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে যাহারা সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত ভগবানের ভজন সাধন করছেন সেখানে অর্চনের কথা আছে সেবা পূজার কথা আছে সেবা পূজাটা বাদ দিলে তাহলে কোন রকমের ভক্তি অঙ্গ থাকে না সবকিছুকে অর্চনাঙ্গকে কেন্দ্র করে শ্রী বিগ্রহকে কেন্দ্র করে মঙ্গলারতি থেকে আজকে এই কথাটা বলতে চেয়েছিলাম যে মঙ্গলারতি থেকে আরম্ভ করে কীর্তন আদি সব কিছু বিগ্রহকে কেন্দ্র করে আসছে ভগবৎ স্বরূপকে কেন্দ্র করে যদি আমরা তাকে না দেখি স্বীকার না করি তাহলে আমাদের অন্য প্রসঙ্গে এসে যায় তাহলে অবহেলা এসে যাবে বিগ্রহের প্রতি অনাদর এসে যাবে ভগবানের প্রতি তখন শ্রদ্ধা বিশ্বাস আর জাগবে না ভগবান তো তিনি কোন আলাদা তত্ত্ব সেই জন্য অর্চনের কথাই এসেছে সেখানে সেবা শ্রীনতাম সকথাম কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন হৃদ্যন্তস্তু জহভদ্রাণী বিধুন অতি সৃহিত সতা আমরা কথা শ্রবণ করছি আমরা এখানে বসে আছি আমরা কথা শ্রবণ করছি গুরুদেব পাঠ শোনাচ্ছেন আমরা পাঠ শুনছি কিন্তু ভাগবতে বলছেন কি শ্রীনতাম সকথাম কৃষ্ণ আমি পাঠ করছি আমি শুনছি সেখানে না বলে বলছেন কি যখন ভগবান ভক্তগণের মুখ থেকে ভক্তগণের মুখনিঃসৃত বাণীকে শ্রবণ করেন যে ভক্তগণ এখানে বসে কীর্তন করছেন সেই কথা ভগবান যখন শ্রবণ করেন তখন কি করেন হৃদ্যন্ত
भवति सहित सदा ভক্তের হৃদয় স্থিত যাবতীয় অতি আনন্দ গানকে তিনি বিধৌত করে থাকেন। যেহেতু সাধু বেলায় তিনি শ্রোগিত বন্ধু, এই জন্য সর্বত্র আত্মসমর্পণের দরকার। যেখানে আত্ম অভিমান নিয়ে সম্বন্ধে জ্ঞান বিহীন হয়ে অর্জন, সেই সমস্ত কথাগুলি প্রভুপাদ জানিয়েছেন। এই জন্য অর্চন
अधिकारी जा रहा था करते छह बार कथा होच्छे ना उटा तो करते बाध्य थे तुम बोलो आर नाम लो दुर्योधन के बोलो आर नाम लो उत्तर की खबर भी तो कर भी बात लो अतः इखने But here I want, we want
to discuss only what Prabhupada is going to tell, what is his deep meaning. So, persons who are established in bodily platform, they are bound to do archana. Chaitanya Mahaprabhu, in his Siksha Astakam, he has never said archana. He has used the word Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. He has not used the word archana. Archana is included in Sri Krishna Sankirtana. This is Sankirtan, when it is conducted by a Kanishtha Adhikari, it is an archana. When it is being conducted by an exalted devotee, it is Sankirtan, it is bhajan. Gurudev is saying, Srila Prabhupada, all the 24 hours he is doing bhajan. Bhajan is performed seva by Parikar of Krishna. Those who are living in Krishna role with Krishna are not called devotees. All those who are worshipping Krishna as sadhak here, they are called devotees. But those who are with Krishna and directly serving Krishna are not devotees. They are parikar, associates. So their service to Krishna is not archan. That is bhajan. So when a sadhak advances from Kanishtha stage gradually, then he becomes eligible enough. This eligibility is transacted and inducted in him from the higher platform, and he rises himself from the bodily and mind platform, and then he renders it. That is called bhajan. Then he is above the platform of archana. उसका कोई भी सेवा भी जो है वो सब अर्चन, क्योंकि देह और मन से संबंध है। जब तक ये संबंध रहेगा और एक बात गोपनीय बताऊं, बामन महाराज और श्री कम महाराज को कभी भी ठाकुर जी के घर में अर्चन करते हुए देखा है? कोई भी उनका शिष्य या उनका गुरु भाई देखा है? आज तक यदि जरूरत होते व्यास पूजा में मैं उनको घंटा भजवा करके और अर्चन कराता हूँ, कभी ठाकुर जी के मंदिर में गए नहीं जीवन, इसका क्या मतलब? लोग करेंगे तो इन लोगों का अर्चन जन्म जन्मांतर पहले ही इन लोगों का हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो परिणाम में रुचि और गुरु सेवा वैष्णव सेवा में ममता युक्त सेवा की भावना आती है, इसको समझो। कनिष्ठ अधिकारी में ममता नहीं होती, क्योंकि शारीरिक संबंध में अपने लिए मर रहा है। अच्छा, ममता आ जाएगी तो समझो जैसे वो अष्टकाली लीला इत्यादि जो भक्ति विनोद ठाकुर लिखना चाहते हैं अपने आप उसके हृदय में, उसी का नाम उसी को आते हैं शुद्ध सत्व। वो बुलाने की चीज नहीं, वो ऐसे नहीं आएगी, वो तो कृपा सिद्ध होती है, वो अपने आप आएगी। ऐसे जो बहुत अधिकारी है वो इस ग्रंथ के अधिकारी हैं, तो भी अधिकार देने के लिए महाप्रभु जैसे आते हैं, परिकर लोग आते हैं, वैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद जी इसका ग्रंथ का प्रचार करते हैं। धीरे धीरे हम लोग योग्य नहीं है तो भी योग्य हो सकते हैं। योग्य होने का कारण क्या है? यही शब्द हेतु इसी के द्वारा। प्रभुपाद जी चले, प्रभुपाद कह रहे हैं दिन और रात को आठ भागों में विभक्त कर दो। इसमें प्रत्येक खंड काल को ज्ञान कहते हैं, एक है तो 24 घंटे को तीन तीन घंटे मोटा मोटी यदि विभाग कर दिया है तो यह आठ। इसमें रात के समय में तीन और दिन के समय में तीन, उषा और संध्या, ये आठ आ रहा है समझ में? ये आठ। इसमें
सबसे पहले आता है निशांत, निशाकाम। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको इस रूप में किया है, जैसे निशा का अंत होने लगता है तो अंधकार धीरे अंधकार आता है निशा में, जो वो धीरे 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 अंतर होने लगता है, वो कम होने लगता है और धीरे 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 प्रकाश आते आते फिर सूर्य आने से उसकी किरण प्रकाश हो जाता है। तो हम लोगों में निशांत एक लीला कृष्ण की है, जहां से कृष्ण की निशांत लीला से आरंभ हुआ। और भजन में निशांत क्या है? गुरु पदाश्रय से, साधु संग गुरु पदाश्रय, और गुरु पदाश्रय के बाद में गुरु से शिक्षा इत्यादि ग्रहण कर, यह सब चीजें अभी निशांत भजन है। अभी सामान्य ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तत्वों का ज्ञान नहीं हुआ है, किंतु थोड़ी सी वैष्णव के संग से उसमें कृष्ण के प्रति अनुकूलता आ गई है, बस श्रद्धा आई है, बस इतने कृष्ण सेवा की वासना हृदय में थोड़ी बहुत आ गई है, किंतु बहुत से अभी अनर्थ है। इसको कहते हैं इसी तरह से धीरे 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 निशांत के बाद में प्रातः, प्रातः के बाद में पूर्वाह्न, पूर्वाह्न के बाद में मध्याह्न, मध्याह्न के बाद में अपराह्न, सायाह्न प्रदोष और निशा, और फिर आगे ऐसे भजन में ही में भी ये सब चीजों को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिखलाया। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तत्व अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति तत्व को आठ ज्ञान में दिखा दिया है। भाव ये आठ भागों में विभक्त करके कैसे 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 क्रमशः उन्नत हो सकते हैं, इन विचारों को दिखला है। और भी एक बात है, सर्वतो भाव से एकांतिक निष्ठा के साथ में कृष्ण भजन केवल शुद्ध वैष्णव के लिए ही संभव है, जिसमें कोई भी संसारी कामना वासना फूल शरीर का अब संबंध कट गया है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध वैष्णव है। प्रभुपाद ने कहा है कि शुद्ध भक्त कौन है? राधानुगा में जो प्रवेश कर रहे हैं वो शुद्ध भक्त वहां सिद्ध गया है। इसके पहले कब शुद्ध भक्त नहीं माना है उन्होंने, चैतन्य चैतन्य में देखो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी, हमारे सभी आचार्य ने इसी तरह से भजन कर रहे हैं, किंतु यदि राधानुगा भजन में हम कृष्ण की सेवा करेंगे कैसे करेंगे, इसका लोभ यदि हृदय में नहीं आया है तब तक वो शुद्ध भक्त उसको नहीं मानते, तब उसको शुद्ध भक्त मानते। स्थूल सूक्ष्म अंगता और ममता रहने पर, अंगता माने शरीर, ममता सारी सारी वस्तुओं से ममता रहने पर सर्वकालिक भजन असंभव है, कभी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है। जब यह संपूर्ण रूप से दूर होगा तो यह सब संपूर्ण हो सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी न खाने की चिंता है न पीने की चिंता है, सब कुछ भूल गए और भूल कर भी जो साधन भजन कर गए, ऐसे महापुरुष या उनकी कृपा प्राप्त महापुरुषों की दी के संभव इसलिए हम करेंगे नहीं, ये बात गलत है। आदर्श रखकर हम पहले से ही चले, जैसा हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। फिर कह रहे हैं महाप्रभु जी का जो प्रदर्शी जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसमें 16 नाम होने से भी 8 युगल है, एक एक युगल एक एक जाम के लिए है। पहला जो हरे कृष्ण है वो पहले जाम के लिए, अर्थात जब निशा का अवसान होने लगता है और भजन में कृष्ण की भजन करने की स्पीढ़ा जब आ रही है, साधु संग करने लग गया, और समझो कि जहां साधु संग हुआ और समझो कि हम लोग अवसाद से सक गए, किंतु तब नहीं गए, वो विश्वास दिलाने के लिए करेंगे तो आरंभ हो गया। इस तरह से दूसरा जो हरे कृष्ण
ये दूसरा प्रातः काल भजन इस तरह से पूर्वान्न मध्यान्ह इस प्रकार से आठों युगल के लिए आरती है। और एक विशेष बात ये कि चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा में जो आठ श्लोक है चेतो दर्पण माध्यम विद्या नाम नाम अकारी बहुधाम ये सब त्रिनाद ये भी एक एक श्लोक एक एक ज्ञान के लिए है उसे संबंध लगाओ वैसे ही भजन होगा। पहले चेतो दर्पण माध्यम पहले सारे श्लोक तो आठों के लिए पहला उसमें आठों का जो ज्ञान का भाव है उसमें खास लगा दिया और फिर नाम नाम अकारी में नाम वाला जो है वो क्या है नाम नाम अकारी वो पहला और इस तरह से सभी का उसमें संबंध जोड़ करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि ऐसे भजन करो और वो प्रत्येक ज्ञान में इन सब तीनों चीजों को लाएंगे नाम का भी लाएंगे महाप्रभु की शिक्षा भी लाएंगे और वो सब भजन की प्रणाली इत्यादि सभी कुछ ला करके हमें समझाएंगे। इसके लिए आप लोग तैयार होकर के सुनिए जिसका जो जितना बड़ा खड़ा है वो खड़े के अनुसार में पानी दे। हरे कृष्ण बेटर टाइम से तो कम Gurudev is saying that whoever is having vessel according to his capacity, he will gain and retain to that extent only. Carry the vessel of your heart, and gain and retain accordingly. Well, every Kanishtha Adhikari is going to accept things only on an urgent platform, then why it is necessary to listen and hear all these things? Gurudev is explaining. Our Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, they have come, they have given us teachings, they have written these books to raise our qualification, the Adhikar and standard. The purpose is that we should raise our standard, raise our adhikar. We should become qualified enough to understand all these things, which is very important. Srila Prabhupada here is dividing our one day in 8 different equal parts. Not equal parts. It's something 3 parts in the morning, 3 of the night. Three parts of the day, that is day, and the 3 parts of the night, and 1 of the evening, and evening is dusk, and 1 of the morning, that is dawn. So this becomes total 8. So Srila Prabhupada is dividing all these 8. So 8 number has become very important now. And everywhere here we are having 8. The 8, the morning time, dawn, when darkness starts going. The, not in morning. Dawn ka matlab nishan wala. There is darkness. There is a darkness. Darkness starts going. That period in Hindi or Sanskrit is called Nishant. So there is a very important mantra also. Hare Krishna Mahamantra having 16 syllables can be put 8 pairs of syllables. Well, 8 pairs of words. Hare Krishna 1, Hare Krishna 2, Krishna Krishna 3, Hare Hare 4, similarly for Ram. So it has got 8. So 8 pair of words, they also refer similarly for the Nishan, then the morning period, then the noon, then afternoon, and all these 8.
Similarly, the bhajan is also increasing gradually in a sadhan. And Chaitanya Mahaprabhu's Shiksha Ashtak is also referred. It has 8 verses. So these 8 verses are also, Gurudev is referring for these 8 different stages of bhajan. First verse of Shiksha Ashtakam contains all the 8 aspect of all the 8 verses of Shiksha Ashtak. First verse, Cheto Darpan Mandanam, it contains all the 8 education and shiksha, and how should we increase and raise our adhikar so that we may transfer ourselves, our worship from archan to bhajan. परिप्रीय प्रभु विमान हरे कृष्ण एवं
इसलिए वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, सनातन इत्यादि पीछे से हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि नरोत्तम ठाकुर कहाँ रहते थे, यहाँ से बहुत दूर असत में वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के भी और जितने भी हैं श्रवणम कीर्तनम वंदनम इत्यादि जो लौटा भक्ति चौसठ भक्ति इत्यादि वो सब नाम से नाम में सब कुछ है, किंतु पहले साधक संघ की जरूरत है, वैसे गाइड की जरूरत है, वैसे गुरु करने की जरूरत है, गुरु के यहाँ सद्धर्म शिक्षा इसकी जरूरत है, ऐसे ही नाम करने से नहीं होगा, इसलिए ये सब जो चीजें हैं इसको लेकर के तब हम लोगों को चलना चाहिए। आनुषंगिक है नाम से, नाम किसके पूर्ण है, वो राधा कृष्ण का स्वरूप है, हरे कृष्ण ये राधा कृष्ण ही है, और उसमें जितनी उनकी केरी विराट जो कुछ है सब कुछ इस नाम, किंतु इसकी स्फूर्ति के लिए इसको हृदय में स्फूर्ति कराने के लिए और संसार गुरु पदार्थ से जीते करके जीते वो भी उपेक्षण ये नहीं है, भाव हमको चाहिए भाव वही, और इसके बाद में भाव संबंधी भावानुकूल भाव अभिरुद्ध और ये सबको लेकर के फलिका, जब ये सबको बाद जब कनिष्ठ से हम लोग मध्यम में आएंगे तब धीरे धीरे ये सब आए, सब समय यही भाव हम लोग के हृदय में रहते कैसे कि हम लोग सब ठाकुर इस ग्रंथ में महागुरु की वंदना करते हैं, पहले जो करते हैं किस लिए, उनके भाव हमारे हृदय में उनके हृदय में स्फूर्ति होनी चाहिए, राधा भाव दूध सुबरी का विग्रह गौ सुंदर का भजन करना ही जीव का एक मात्र कर्तव्य है, महागुरु के भजन किए बिना उनकी भावना के बिना उनकी कृपा के बिना उनके परिक्रम की कृपा के बिना हम लोग का भजन संभव नहीं, कृष्ण चैतन्य जो नवदीप लीला के मूल तत्व है वे नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास आदि ये सभी बन गई है, लीला के मूल जो तत्व है ये चैतन्य गौ सुंदर की पूजा और सेवा नाम संकीर्तन के द्वारा इसकी व्याख्या हम बहुत पहले कर चुके हैं, वो शांगु पांगास का पार्षदम इत्यादि की, इसलिए उसको रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वो कैसे महाप्रभु जी पूज्य और उनका भजन भी कर्तव्य उसके लिए कर रहे हैं, महापंडित सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के सुदीप्त अष्ट शास्त्रिक विकारों को दर्शन करके आश्चर्य जिसमें महाप्रभु जी ने प्रवेश किया और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखा, उन्होंने नहीं देखा किसको देखा, भजन करने हाथ में बंसी भोर मुकुट सहित वो देखा, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा को देख करके भी नहीं देखा, उनको देखा और देख करके आलिंगन करने के लिए जब दौड़े उनके पहले वो मूर्छित होकर के गिर पड़े महाविप्रलम्ब भाव में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखे कर रहे हैं ऐसा कौन सा महापुरुष है, शास्त्र में हमने लक्षण देखे अर्थ शास्त्र भी का, किंतु आज तक किसी
मनुष्य में हमने देखा, आज पहली बार किसी मनुष्य में देख रहे, उनको मनुष्य बुद्धि करके देख रहा। उस समय में गोपीनाथ जी उनको बता रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य के सामने उन्होंने महाप्रभु को स्वयं कृष्ण माने में शंका ले ली। गोपीनाथ जी ने कहा ये मनुष्य नहीं, वो स्वयं कृष्ण है, और इसी में दोनों में विवाद। महापुरुष तो मान लिया किंतु कृष्ण स्वयं नहीं माने नहीं, और इसके लिए त्रिजुग इत्यादि बहुत से अवधारणा की गई। बिना उनकी कृपा के कोई भी नहीं समझ सकता है, जिस दिन आप पर कृपा उनकी होगी तभी समझेंगे, नहीं तो आप उनको नहीं समझ सकते। युग किस लिए कहा गया तो उन्होंने बताया कलयुग में अवतार नहीं, शास्त्र ज्ञान उन्होंने ये कहा, और उसके बाद में गोपीनाथ जी ने कहा कलि काले लीलावतार ना करे प्रपंच, लीलावतार नहीं है किंतु युगावतार इत्यादि, इसलिए त्रियुग उसको कहा गया। प्रतियुगीकरण कृष्ण युग अवतार तर्कनिष्ठ है, जय तुम्हारा नहीं तर्कनिष्ठ तुम्हारा निर्णय से तुम नहीं समझ सकते हो, एक दिन हो सकता है तुम्हारे ऊपर में कृपा हो तो उनको समझ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण सो फिर चैतन्य महाप्रभु इंटरप्रीट जगन नाथ टेम्पू की शॉर फिर डीटी बट नेवर ली शॉर He saw only one Krishna, with flow, with peak of feather, as a Vrijanda Nandan, and he ran away very quickly to embrace, but he became faint. First Sarthi, like Srimati Radhika, Radhika is, and Radhika has so many, Dipta, Sudipta, Pradipta, or Rupya. Yes, sir. Last. And he thought that, oh, he may be Mahapurush. But Gopinath, who's brother in law, Sadhu Bhatta, he told him, you are wrong, he is not a ordinary person. He is himself Krishna. He told the fellow, I cannot accept this. And he did so many arguments. But Gopinath, but even he was not a Mahaprabhu, then he told that when it may be that when God has mercy of Krishna we come, then other time. And in the last he realized everything and then he became pure devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Radhamananda, Vrajalila ki Vishakha Sakhi hai, unhone spasht rup se anubhav kiya. रामानंद साधारण बात नहीं है, राजा के मिनिस्टर भी हैं और उनके गवर्नर हैं वाइसराय और साउथ प्रमाणिक व्यक्ति फर्स्ट आई सॉ यू ए सन्यासी, मैं तुम्हें सन्यासी रूप में और तुमको आप देते हैं श्याम गौर रूप, श्याम गौर रूप में श्याम रूप बट कमेंट भी and then he began faint. It is
Sri Chaitanya. So Chaitanya Mahaprabhu Yogi is Krishna himself. Oh, he has quoted so many. श्रृंगारगढ़ के बाद में
आ जाएंगे तो श्याम सुंदर का जी झाड़ू मंडल दूसरे दिन करो जब वहां से लौट करके आएंगे बेल बंद से लौट करके श्याम सुंदर का दर और नहीं यदि वो बंद आए तो आगे राधा रमण चलेंगे राधा रमण जी का दर्शन करेंगे गोपाल भट्ट जी का दर्शन करेंगे भजन कुटी और समाधि और पासी में गोकुलानंद जी का दर्शन करेंगे और गोकुलानंद के पास में जहां तक हो सकेगा और दर्शन करके जल जलपान करने के बाद ही में निकले और इस तरह दर्शन करके आए शाम को फिर गौ प्रमाण हरे कृष्णा Whoever registered them at EPM. So for male devotee, they have to come. And tomorrow no need. Now transition. Now I have told all these things. I was telling one thing to that you to sleep. What I was telling, not so important. I have told so much before all this. Bhajan rahasya to Bhaktivinoda Thakur is offering his prayer to Chaitanya Mahaprabhu and quoting a verse from Srimad Bhagavatam. Krishna Krishna. He changed it to some extent. Ah!
Namami Swaram Sachidananda Rupam Lasat Kunda Thank you.
Oh,
Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Govinda Swami Nitya Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Oh,
आपूर्ति की जाए, जय गुरुवार में गुरुवार को की जाए, बड़ी प्यार की आचार्य जिसमें शंकर सुमन भक्त के नाम से ओम सुनी महाराज की जाए, जय बड़ी प्यार की आचार्य जिसमें शंकर सुमन भक्त के नाम से नारायण गोस्वामी महाराज की जाए, जय स्वामी मेरी बेटी जिसमें बागवान की जाए, जय विशेश्वर जिसमें की राधा रानी की जाए, जय रुद्रा महोदय व्रत की जाए, जय रुद्रा महोदय व्रत भक्त भक्तवृंद की जाए, जय स्वामी गौर भक्तवृंद की जाए, गौर प्रणाम They control their all senses.
always Ashtanagiri Dhabat in their heart. So they are Goswamis. And after that, only Bhaktivinoda Thakur is told Shattam Goswami. Why not all of them? Vishwanath Chakravarti Thakur. Though all are the Goswami here, we are here. But they could not accept. Oh, because they had so much honor for Shattam Goswami. They never allowed Vishwanath Chakravarti Thakur, Nautam Thakur. Oh, they never allowed anyone. Who should tell them? Mali, all the very high class of devotees, they told Bhaktivinoda Thakur Shattam Goswami. Collectively, at the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, they saw his glory. And they, yes, he is like Rupa Goswami. He is the manifestation of Rupa Goswami. What Rupa Goswami has done, oh, he is the incarnation of Srila Prabhupada. Radha Pandit. Not different to Radha Pandit. So, Shattam Goswami. So I requested them very, humbly, that, oh, if you tell me Goswami, then all will see that if Narayan Maharaj is Goswami, then Rupa Goswami was like Narayan Maharaj. They may make any offense. So Goswami, Sanatana Goswami were not like me? Not like me. So I am requesting them to pay their respect to Goswami. They can honor me. Or like a Vaishnava, but not like Goswami. Not to tell me from the past. Then you should come to Osaka. I know that from Western countries and Eastern countries, from Australia, from England and from so many devotees have come selling their properties, their cars, their everything. Even they have given up job, their company has told that, oh, if you are going, your job is. But they never care. Even their wife told that if you are going, then our connection will be cut off. And that was me. And also husband has told, but they never cared as they have come. Why? To do parikrama with me and to hear Hari Katha. This Harikatha, first year in our classes coming, anywhere in the world, I think nowadays very rare. So they are coming. So they want that, oh, there's some facility. What? Not for prasadam, not for anything. What facility they want? That's some more English classes. And but they want that facility to speak in English or should be. We are trying. We know this fact that is practical. So we will try to give them so much more classes in English speaking. But you know that we should have care for also poor. They have nothing to sell. They have no car to sell. जिसको गाड़ी नहीं है बेचने का संपत्ति बेचने का नहीं ऐसे गरीब और निरपेक्ष वैष्णवी लोग भी हैं दे हैव सम दैट पार्ट टू डू आई यू कैन सजेस्ट यू कैन टेल मी व्हाट टू डू ऑलवेज इंग्लिश वी शुड डू आर समथिंग टिपिकल
class Kundila. That is only that is effect of us. You could not hear. So I am telling you very free by myself. That we were telling from the Bhaktivinoda Thakur Nishant Lila in the beginning. He is telling that we have forgotten Krishna. We have forgotten who I am. We are sleeping in darkness. Even no dream and something dream. Quite ignorant, totally observing worldly sense recognition. They don't know who I am, who is there, or even they have no difference between of this body, material body and soul. Nothing. They are sleeping. जिसमें सारे लोग सोते हैं उसमें जागता भूताना तस्म जागृति संयमी जस्म जागृति संयमी यू नो ऑल दिस इज सो अतिनो ठाकुर इज टेलिंग दैट होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन लाइक दे आर more than deities and all other animals. In some cases, the animals are better than most humans. Those who are not chanting the memory, they are not a honor for Krishna. Then even animals are more better, more better. So this is Nisha. And if in this world we have association of any pure Vaishnava, then just to think that all darkness and sleeping, it must go very soon, very soon. Just look at the Vaishnava ka sang mil gaya, toh samjho kya ho gaya? Bhava varbo brahmato bhava. What is the meaning? श्री पावचन ऐसबस बाबा हुआ भोजन तो ये दाव वेच जनस चाहिए तो जो सत समागम सत संगमो जाई चलाए सत गमो प्राप्राइसे ही जाई तो ही जाए चाहिए रची The purpose is that all jivas in this material world are wandering birth after birth in an endless chain of birth and death, sorrows and sufferings in this material world. But if they come into the association of sadhus, devotees of the Supreme Personality of Godhead, then this is a symptom. It is a symptom that very soon their journey through the cycle of birth and death is about to come to an end. Why? Because by the association of sadhus, then parabrahmashe twani jayate rati, by this association, deep attachment for the Supreme Personality of Godhead will arise within their hearts, and thus they will come out from the cycle of birth and death. So this verse is giving an indication that those who have come into the association of Vaishnavas, they should think, they should have very firm conviction that soon my journey in this cycle of birth and death will come to an end. So, this sadhu sangha in this world is rare. I think that there may be so many devotees in the line of Ramanuj, Madhva, Vishnu, Swami, Kirtan, and others. But you know that taking the explicit mode of Radhika and beauty of Radhika, Chaitanya Mahaprabhu has come, descended to this world like Sadhu and Guru. So those who are in the line of Chaitanya Mahaprabhu, if you are having the
association of that high class of Vaishnava in the line of Srila Chaitanya Mahaprabhu, like Rupa Goswami, like others, like Bhaktivinoda Thakur, in their line, we are most fortunate. If you have received this, oh, we should think that, oh, my night is going on. Very soon, coming Prataka, dawn is coming. Now sun will come, but sun, oh, Krishna Bhakti, Prema Bhakti will come. So we want to be very fortunate. And then he has told them, then namaskar to Chaitanya Mahaprabhu. Who preached the whole world, Naam Sankirtan. And in Naam Sankirtan, medium of Naam Sankirtan, he gave a very rare friend to this world. So he told Srila Bhaktivinoda Thakur that this is by associating gradually or a desire to serve Krishna will come. And if it has come, oh, we are born. And it will come only by Naam Sankirtan. Naam and Nami are both. But now we are not realizing. But Rupa Goswami and their followers, they realize. They think that, oh, in some cases, name is more superior than Naam. So we should accept Naam Sankirtan. So Guru first, he first, any pure devotee, they suggest us to do Naam Sankirtan. How? Or accept any high class of Guru. And you said that accept a Guru. You should try to test in some way. That he should not fall down. If a guru of any disciple falls down, then what becomes? His heart breaks down. If two, three times then, he loses his faith to Krishna or forever. So we should try to realize this and to accept a guru. And he will give name and mantra both. And we should try to do accordingly. We will have to follow his character and also his instruction both. Oh, this was the main purpose of yesterday's class. Now I am coming. Namameshwaram Sachidananda Rupam Ratat Kundalam Gopune Brajmanam अपने आराधने नाम रूप धूम लीला धाम ये सब ले महत्व पत्रे को एक तार्किक वैशिष्ट एक जन गोकुल गोरोक इत्यादि संबंध है जाते नहीं बोले क्या हमें प्रश्न में बोलना ऐसा तो नहीं सत्य के श्रेष्ठता कृष्ण किसे তার পরিকল্পনা তার মধ্যে গোপগণ সব থেকে শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা গোপীগণের সমাজেতে কৃষ্ণ তাকে রচিত আসনের উপরে তিনি বসেন আর ওই সময় তাহার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যত বড় বৃন্দাবনে যাওয়ার সমস্ত রূপ মাধুরী লীলা মাধুরী গুণ মাধুরী সবগুলি ওই সময় প্রকাশিত হল মন্মথ এমন রূপকে তাকে নিজে রেখে তাকে লোক উৎপন্ন করিয়ে যায় এখন তিনি বলছেন লীলা
लीला वैशिष्ट्य, लीला वैशिष्ट्य की प्रारंभ हो चुकी है। रात की लीला के पहले बोल दें, ये जिन्हें प्रथम है तेरी बाल लीला के तेरी घर लें, उदुखलां भे उपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ततम सचि स्थितं हयोंगमं सौर्य विषम किते क्षणं निरीक्ष पश्चात उत्तमावस्था समय शेष समय से जसोदा माता देखी हैं।